गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 6 का जो हम स्टडी कर रहे थे भूआकृतिक प्रक्रिया है। भूआकृतिक प्रक्रियाओं का मुख्यतः दो प्रकार से बांट कर पढ़ते हैं, अंतर्जात और बहिर्जात प्रक्रिया। ठीक है, तो अंतर्जात प्रक्रियाओं की बात करते हैं, जो धरातल के अंदर विभिन्न प्रकार से जो प्रोसेसेस होते हैं अंतर्जात बलों के कारण, उन्हें हम अंतर्जात प्रक्रियाओं में शामिल करते हैं। कल हमने इसके बारे में विस्तार से पढ़ा। ठीक है, अंतर्जात प्रक्रियाओं में पटल विरूपण, ज्वालामुखीता की बात की कि पटल विरूपण के कारण होने वाले विभिन्न परिवर्तनों, विभिन्न प्रक्रियाओं से जब धरातल पर क्या करते हैं विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां या भू आकृतियों का निर्माण होता है, और ज्वालामुखीता इसके लिए जिम्मेदार है। ज्वालामुखीता की प्रक्रिया के कारण, ज्वालामुखीता के कारण ही धरातल की ओर मैग्मा का क्या होता है ना, प्रवाह होता है। इस प्रकार से पटल विरूपण और ज्वालामुखीता, ये दोनों प्रोसेस या प्रक्रियाएं क्या करती है, धरातल पर विभिन्न भू आकृतियों के निर्माण का निर्माण में सहायक होती है। अब हम चर्चा करते हैं कि जब ये भूआकृतियां बन जाती है तो क्या ऐसे कारक हैं, ठीक है, क्या ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो क्या करती है, उन वो आकृतियों में परिवर्तन लगातार करती रहती है। ऐसी प्रक्रियाओं को हम क्या कह रहे हैं ना, बहिर्जनित प्रक्रियाएं कहते हैं, जो बहिर्जात बलों के कारण उत्पन्न होती है। धरातल के ऊपर विभिन्न स्थल रूपों में समता लाने का जो प्रयास करने की जो क्रियाएं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं ना, बहिर्जनित प्रक्रियाएं कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के बहिर्जात बलों के कारण उत्पन्न होती हैं। आज हम बहिर्जनित प्रक्रियाओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप बुक से पढ़ेंगे तो लाइन टू लाइन क्लियर होगा, ज्यादा बेटर होगा। तो बहिर्जनित प्रक्रियाएं क्या होती है उसकी हम चर्चा करते हैं कि बहिर्जनित प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनीय कारकों से उत्पन्न प्रवणता प्राप्त करते। देखो, प्रवणता शब्द बार बार आएगा। प्रवणता का मतलब हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस प्रकार से, प्रवणता से मतलब यहाँ पे हम झुकाव और नमन की हम बात कर सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से होने वाले जो ढाल है उस पर क्या हो रहा है कि एक वस्तु की हम बात करें, पदार्थ की बात करें, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से क्या कर रहा है ना, उसमें बदलाव आ रहा है, चेंजेज हो रहा है, इन सबको हम प्रवणता के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया बहिर्जनित प्रक्रियाएं क्या है ना, अपने ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा, सूर्य की जो ऊपर वायुमंडलीय ऊर्जा होती है जिससे चट्टानें अपनी जगह पे टूटने लगे, ऐसे कुछ क्रियाएं होने लगे, और आंतरिक भाग से जो विभिन्न प्रकार से प्रोसेस जो कार्यरत रहते हैं, जैसे कि हमने ज्वालामुखीता की हमने चर्चा की, ठीक है, पटल विरूपण की हमने चर्चा की, ठीक है, इनको नियंत्रित करने वाले विवर्तनीय कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। और इन दोनों सूर्य की हम बात करते हैं, सूर्य की ऊर्जा और आंतरिक क्रियाओं से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इन दोनों के मिक्सअप से क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार की विवर्तनीय क्रियाएं होती है जो प्रवणता के लिए जिम्मेदार होती है, यहाँ पे होने वाले परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, अब देखो यहाँ पे जो प्रवणता होती है और धरातल पर होने वाले विभिन्न परिवर्तनों में मुख्य जो जिम्मेदार गुरुत्वाकर्षण बल को भी समझा जाता है, माना जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल ढालयुक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है। ढालयुक्त जब सतह है तो क्या होगा, ये पदार्थ क्या होगा, ढाल के अनुसार क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का, हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल की हम बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या, अगर किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से क्या होती ना, नीचे की ओर आती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल ढालयुक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है, ठीक है, तथा ढाल की दिशा में पदार्थ को संचलित करता है। तो वैसे ही हमने चर्चा की कि ये जो ढाल है, अब यहाँ क्या होगा ना, अगर ये पदार्थ तो क्या करेगा, ये पदार्थ नीचे की ओर आएगा, उसका कारण क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, और कैसे आएगा, ढाल के अकॉर्डिंग आएगा, यानी ढाल के अनुसार क्या होता रहता है, इसका क्षरण होता रहता है। ठीक है, आगे जो शब्द आ रहा, प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। देखना यहाँ पे जो शब्द है प्रतिबल की हम चर्चा करते हैं कि प्रतिबल क्या है, ठीक है, प्रतिबल की हम बात करते हैं, प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल है, अपरूपण है, अलग अलग प्रकार से यहाँ पे शब्द आ रहे हैं, ये सब किसके लिए जिम्मेदार है ना, ये सारे वर्ड या हम कहेंगे कि प्रतिबल की हम जो बात कर रहे हैं, ये प्रतिबल और ये अभिजनित प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार बल होते हैं। प्रतिबल जहाँ बताया यहाँ पे कि प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल होगी, प्रति इकाई क्षेत्र पर, प्रति एक पर्टिकुलर, ये प्रति इकाई क्षेत्र पर जो यहाँ पर बल लग रहा है, प्रति इकाई क्षेत्र पर जो बल लग रहा है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं ना, प्रतिबल कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। तो अब क्या हो रहा है ना, कोई भी पदार्थ इस पर बल का अध्यारोपण हो रहा है, जैसे कि यह पदार्थ इस पदार्थ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पदार्थ इस पर बल का अध्यारोपण हो रहा है, यानी कि अध्यारोपण से मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बल इसमें क्या कर रहा है ना, बदलाव ला रहा है, ठीक है, बल या बल इसमें क्या कर रहा है, बदलाव ला रहा है, और उस पदार्थ के आकार और आयतन को बदल देता है। यहाँ पर हम बात करते हैं कोई भी पदार्थ उस पर जो लगने वाला बल है उसके आकार में
और आयतन में, उसके आकार और आयतन में बदलाव ला देता है। हम क्या पढ़े ना, बहिर्जल प्रक्रिया, यानी धरातल पर जो लैंडफॉर्म्स बन गए, इन लैंडफॉर्म्स में क्या परिवर्तन होते हैं, किसके कारण होते हैं, बहिर्जनित प्रक्रिया के कारण होते हैं। और ये बहिर्जनित प्रक्रिया किसके कारण होती है, जैसे कि हमने बात की बहिर्जात बलों के कारण होती है, और उसमें हम प्रतिबल की बात करते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्र पर, जैसे कि यहाँ पे जो भूआकृतियां हैं, ठीक है, इन भूआकृतियों में क्या हो रहा है ना, बदलाव हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, प्रतिबल के कारण जो बदलाव हो रहा है, क्या हो रहा है, इनके आकार में परिवर्तन हो रहा है, इनके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से प्रति इकाई क्षेत्र पर यह प्रतिबल क्या करता रहता है ना, परिवर्तन लाता रहता है। ठीक है, ये बहिर्जनित प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार बल होता है। ठीक है, और ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का व खिंचाव उत्पन्न करता है। अगर ठोस पदार्थ होता है तो वहां पर धक्का लगाने का या उसमें खिंचाव उत्पन्न करने का इस प्रकार से कार्य प्रतिबल के द्वारा किया जाता है। तो प्रतिबल जब खिंचाव और धक्का लगाने का कार्य करेगा तो क्या होगा ना, उसके आकार में भी परिवर्तन हो जाएगा और उसके आयतन में भी परिवर्तन हो जाएगा। इससे क्या होता है, जब धक्का लगाता है तो उस पदार्थ की में विकृति आती है, उस चट्टान में विकृति आती है। धरातल के पदार्थों के सारे सक्रिय बल अपरूपण बल होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपरूपण बल की। अपरूपण बल, ठीक है, तो अपरूपण बल भी यहाँ पे क्या होता है ना, जिम्मेदार होता है किस प्रकार से, यहाँ पे जो बहिर्जात बलों की हम बात कर रहे हैं उसमें हमने प्रतिबल की हमने जो चर्चा की, और अपरूपण बल भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। अपरूपण बल क्या होता है कि कभी कभी अपघर्षण और अपक्षरण के द्वारा सेल में क्या होता है, झुकाव या घुमाव उत्पन्न होता है। सेल में क्या हो जाता है ना, झुकाव, अलग अलग प्रकार से यहाँ पे जो अपक्षय हो रहा है, चट्टानों का टूटना हो रहा है, ठीक है, चट्टानों का जो टूटना हो रहा है, और चट्टाने जब क्या कर रही है ना, विभिन्न प्रकार से पदार्थ, विभिन्न प्रकार से जब क्या हो रही है, आकर्षित हो रही है, तो इन चट्टानों में क्या हो जाता है, घुमाव या झुकाव उत्पन्न हो जाता है। इसे हम क्या करते हैं, सेल का अपरूपण कहते हैं। क्या कहते हैं ना, इसे हम सेल का अपरूपण कहते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग पदार्थ से धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अपरूपण बल होते हैं, विलक्कारी से अलग करने वाले बल होते हैं। ठीक है, और यही प्रतिबल सेलों एवं धरातल के पदार्थों को जोड़ता है, और जो सेलों और धरातल के जो पदार्थ है उनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है, इस अपरूपण बल के द्वारा ही जोड़ा जाता है, क्योंकि अपक्षय के द्वारा सेल में झुकाव होगा और यहाँ पे अलग अलग प्रकार से क्या हो रहा है, झुकाव होने के साथ साथ सेलों में घुमाव आ रहा है, और ये क्या कर रहा है, धरातल के पदार्थों से इसको जोड़ रहा है। ठीक है, तो अपरूपण प्रतिबल का परिणाम क्या होता है, कोणीय विस्थापन होता है। विस्थापन से मतलब क्या हो रहा है, विस्थापन से मतलब हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना, जहाँ ये क्या होता है, इस बिंदु से इस बिंदु तक हम पहुंचेंगे तो उसे विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि इन बलों के कारण क्या हो रहा है, पदार्थ इस स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहा है ना। ठीक है, तो इस प्रकार जो पदार्थों में विलग हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ठीक है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, इस कोणीय विस्थापन के लिए जिम्मेदार क्या है, प्रतिबल और अपरूपण बल। क्या जिम्मेदार है ना, प्रतिबल और अपरूपण, ये दोनों क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, जिसे पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होता है, जिसे हम कोणीय विस्थापन की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, या हम इसे क्या कह सकते हैं, विसर्पण या फिसलन कह सकते हैं, कि पदार्थ इस स्थान से फिसल कर दूसरे स्थान पर चला गया। ठीक है, तो भूस्खलन का जो हम रूप कहते हैं, जैसे कि क्या हो रहा है, चट्टान अपने स्थान, ये चट्टान क्या होगी ना, यहाँ से ढह जाएगी तो क्या होगा ना, दूसरे स्थान पर जाएगी ना, यानी कि यहाँ पे क्या होगा ना, विस्थापन होगा, यहाँ से पदार्थों का विस्थापन होगा। इसे हम क्या कहते हैं, ये जो भूस्खलन की प्रक्रियाएं होती है, जो भूस्खलन की प्रक्रियाएं होती है, ये विसर्पण का ही भाग, और विसर्पण क्या हो रहा है, विसर्पण यहाँ पे कोणीय विस्थापन को बोला जा रहा है, कि पदार्थ एक स्थान से जब दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं, उसका मुख्य कारण क्या होता है, प्रतिबल और अपरूपण। क्या होता है इसका मुख्य कारण, प्रतिबल और अपरूपण, प्रतिबल और अपरूपण के कारण। देखना थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है, हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रतिबल क्या कर रहा है, कि जो धरातल पर चट्टाने जो पदार्थ है उनके आकार और आयतन में परिवर्तन कर देता है, आकार और आयतन में परिवर्तन कर देता है। और अपरूपण क्या होता है, अपरूपण जो धरातल पर विभिन्न प्रकार से क्या हो रहा है ना, अपक्षयकारी जो क्रियाएं हो रही, जिससे चट्टानों में क्या होता है, झुकाव या नमन उत्पन्न हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपरूपण। जब प्रतिबल और अपरूपण कार्यरत होते हैं, तो क्या हो रहा है कि विभिन्न प्रकार से जो पदार्थ है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं बहिर्जनित प्रक्रिया, बहिर्जनित प्रक्रिया क्या कर रही है ना, धरातल को सम करने का प्रयास कर रही है। जब यहाँ पे अपक्षय इत्यादि जब प्रक्रियाएं हो जाती है, कारें जब टूटने लगती है, तो यहाँ के जो पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने लगते हैं, इसे हम कोणीय विस्थापन या विसर्पण की संज्ञा दे देते हैं। कोणीय विस्थापन या विसर्पण की हम इस प्रकार से संज्ञा दे देते हैं, जिसे हम फिसलन भी कह सकते हैं, कि यहाँ से फिसल कर पदार्थ दूसरे स्थान की ओर बढ़ गया। ठीक है, तो धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल, और इसके लिए सबसे मुख्य जो बात हम करते हैं कि यहाँ से यहाँ क्यों जा रहा है, उसके लिए जिम्मेदार है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभाव देते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो है ही, उसके साथ साथ आणविक
जो प्रतिबद्ध है उनसे भी इस प्रकार से पदार्थ विस्थापित होते हैं, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन आने से, क्रिस्टलन होने से, पिघलन द्वारा अलग अलग प्रकार से आणविक बल उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला करती है। रासायनिक प्रक्रियाएं कणों के जो हम बात करेंगे पदार्थों के जो कण है उनको क्या कर देती है ना, ढीला कर देती है। ढीला कर दी इसका मतलब क्या हो रहा है ना, वो टूटने लगते हैं, ठीक है, और विलय पदार्थों को में घुला देते हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल बिखर गए हैं, तो अगर पानी वहां से हम कहेंगे पास होता है अपरदनकारी कारक, तो पानी में क्या हो जाएंगे ना, ये पदार्थ घुल जाएंगे और फिर विस्थापित होने लगेंगे, ठीक है। इस प्रकार पदार्थ धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास अपक्षय बृहत्सरण संचलन अपर्दन एवं निक्षेपण का मूल कारक है। तो ये प्रतिबल और अपरूपण इस प्रकार से जो बहिर्जनित प्रक्रियाएं होती है, अपक्षय बृहत् संचलन, अपर्दन और निक्षेपण इसके प्रमुख कारण माने जाते हैं, ठीक है। हम बहिर्जनित प्रक्रियाएं पढ़ रहे हैं जो बहिर्जात बलों के कारण उत्पन्न होती है, और ये प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है, अपक्षय बृहत् संचलन, अपर्दन और निक्षेपण, और ये जो प्रक्रियाएं हो रही है किस कारण हो रही है, बहिर्जात बलों के कारण, जिसमें हम प्रतिबल और अपरूपण को शामिल करते हैं कि चट्टानें क्या हो रहा है यहाँ पर, उनके आकार में परिवर्तन आ रहा है, पदार्थों के आयतन में परिवर्तन आ रहा है प्रतिबल के कारण, और अपरूपण के कारण जब अपक्षयित इस प्रकार से प्रक्रियाएं हो रही है तो चट्टानों में झुकाव सा उत्पन्न हो रहा है, और इन सभी के कारण क्या हो रहा है, प्रतिबल अपरूपण के कारण, ठीक है, गुरुत्व प्रभाव इसमें लागू हो रहा है, और जो पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्या हो रहा ना जा रहा है, यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं ना, विस्थापन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, विस्थापन, या हम कहते कोणीय विस्थापन, या इसे विसर्पण की हम संज्ञा दे देते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम जो चर्चा कर रहे हैं कि इस प्रकार से प्रतिबल अपरूपण के कारण, अलग अलग प्रकार से गुरुत्व प्रभाव के कारण क्या हो रहा है ना, पदार्थों का इस प्रकार से बदलाव हो रहा है, स्थान दूसरे स्थान पर जा रहा है, यानी कि धरातल के सम होने में या धरातल में परिवर्तन लाने में इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो इस कारण से उत्पन्न होती है अपरूपण और प्रतिबल के कारण, वो होता है अपक्षय बृहत् संचलन, अपर्दन और निक्षेपण, और यही क्या है, बहिर्जनित प्रक्रिया, इनका ही हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से भिन्न होती है। अब ऐसा है नहीं कि एक सभी प्रक्रियाएं एक जैसी होती है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से ये बहिर्जनित प्रक्रियाएं संपन्न होती है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, अलग अलग जगह अलग अलग क्या होती है, भौगोलिक दशाएं होती है, जैसे कि तापक्रम वर्षण दो महत्वपूर्ण तत्व है, अलग जब तापक्रम अधिक होगा तो वहां पर ज्यादा संभावना रहेगी, वर्षण अधिक होगा वहां पर ज्यादा बदलाव की संभावना रहेगी, ठीक है। तो विभिन्न प्रक्रियाओं को तापमान और वर्षण नियंत्रित करते हैं, तो तापमान और वर्षण क्या बहिर्जनित प्रक्रियाओं को, कि बहिर्जनित प्रक्रियाएं भी तापमान और वर्षण से क्या हो रही है, नियंत्रित सी हो रही है, कि जहां पर तापमान वर्षण में भिन्नता पाई जाएगी वहां पर अलग अलग प्रकार से बहिर्जनित प्रक्रियाएं संपन्न होगी। अब देखना आगे हम चर्चा करते हैं, सभी बहिर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं को सामान्य शब्दावली में अनाच्छादन कर देते हैं। डेनुडेशन की हम बात करते हैं, अनाच्छादन की, देखो वैसे तो हम एक वर्ड में हम बात कर सकते हैं अनाच्छादन होता क्या है, अनाच्छादन के लिए हम लिख सकते हैं कि अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय और जब अपर्दन साथ साथ होता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है ना, अनाच्छादन कहा जाता है। जब अपक्षय और अपर्दन जब साथ साथ होते हैं तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, अनाच्छादन कहा जाता है। लेकिन चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना, चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना, और फिर वहां टूटने से जो बिखराव हो रहा है, बिखराव होने के बाद ये जो पदार्थ है उनका क्या हो रहा है ना, संचलन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। जैसे कि चट्टान है, चट्टान अपने स्थान पर टूट रही है, इसे हम क्या करें ना, अपक्षय कहते हैं। जब इसमें बिखराव हो गया तो यहाँ पे क्या होने लगता है, कटाव होने लगता है, ये पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहित होते हैं। तो इस प्रकार से जब कटाव की क्रिया और अपक्षय की क्रिया साथ साथ होती है तो उसे क्या कहा जाता है ना, अनाच्छादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनाच्छादन, डेनुडेशन। तो सभी बहिर्जनित प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली, ये जो बहिर्जनित प्रक्रियाएं हम कह सकते हैं कि बहिर्जनित प्रक्रियाएं अनाच्छादन के फलस्वरूप संपन्न होती है, ठीक है। अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावर्त करना, आवरण हटाना। जैसे कि चट्टान अपने स्थान में टूट गई तो चट्टान का क्या हो रहा है, अनावरत हो रहा है, इसका आवरण हट रहा है ना, ठीक है। अपक्षय बृहत्सरण संचलन अपर्दन परिवहन सभी अनाच्छादन में शामिल किए जा सकते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को हम किसमें शामिल करते हैं, अनाच्छादन में, जिससे क्या हो रहा है, धरातल का स्वरूप ही परिवर्तित हो रहा है। तो अनाच्छादन प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को हम इस प्रकार से डायग्राम में देख सकते हैं। तो प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है, और हमें क्या पता लगता है कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल और ऊर्जा होती है। जो बहिर्जनित प्रक्रिया होती है इनके लिए अलग अलग प्रकार से बहुत सी प्रक्रियाएं अलग अलग प्रकार कार्यरत रहती है।